हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम करने वाले हैं एमसीओ 21 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है प्रॉब्लम्स इन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि हमारे नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। जो भी बच्चे दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के एग्जाम देने को लेकर के इच्छुक हैं, वो हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। लास्ट टाइम से इसके प्राइसेस को तकरीबन 20-30% डिस्काउंट दे दिया जा रहा है। प्लस इसमें आपको 200 का इंस्टेंट ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप अभी इसको परचेस करते हैं। तो नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। हमारे ऐप को आपको डाउनलोड करना है कॉमर्स की पाठशाला प्ले स्टोर से। वहां पे आपने खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं जितने भी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो नोट्स अवेलेबल हैं उसमें आपको एमसीओ 1, एमसीओ 4, 5 एंड एमसीओ 21, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, वो कम्प्लीटली अवेलेबल करा दिया गया है नोट्स के माध्यम से। आप उनको बहुत ही आसान तरीके से वहां से परचेस कर सकते हैं एंड उनकी स्टडी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक चीज और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेट द प्रॉब्लम्स इन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। राइट, कॉस्ट फंक्शन निकालने में या कॉस्ट को एक तरीके से डिटरमाइन करने में कौन कौन सी तरह की प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ती हैं और किस तरीके से आप अपने उन प्रॉब्लम से आप खुद को दूर रखेंगे। क्योंकि अगर आपके कॉस्ट अगर आप ठीक तरीके से निकाल नहीं पाओगे, आपका जो आउटपुट है, जो आपका रिजल्ट है, वो भी ठीक तरीके से निकल नहीं पाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ वी कन्फ्रंट सर्टन प्रॉब्लम वाई अटेम्प्टिंग टू डिराइव इंपेरिकल कॉस्ट फंक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक डेटा। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो। एक एक करके करेंगे। सबसे पहला है, इन कलेक्टिंग कॉस्ट एंड आउटपुट डेटा वी मस्ट बी सर्टेन दैट दे आर प्रॉपरली पेयर्ड। ठीक है, तो जब भी हम डेटा को कलेक्ट करेंगे कॉस्ट का और आउटपुट का, जो भी डेटा हमारा निकल करके आएगा, हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें बहुत ज्यादा सर्टेन होना पड़ेगा इस चीज को लेकर के कि दोनों के बीच में जो पेयरिंग है वो सही होनी चाहिए। पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज का कनेक्शन दूसरे चीज के साथ प्रॉपरली होना चाहिए। जैसे कि हम ब्लूटूथ के माध्यम से अपने सामान को, मतलब अपने फाइल्स को किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वहां पे कब हम भेज पाते हैं, जब पेयरिंग ठीक तरीके से होती है। तो आपका रिजल्ट भी ठीक तरीके से तभी आ पाएगा जब आपका कॉस्ट और आउटपुट पे पेयरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, मतलब पेयर्ड होगा। दिस इज द कॉस्ट डेटा एप्लीकेबल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा एंड आउटपुट। मतलब जो कॉस्ट डेटा आपने शो किया है वो आपका जो आउटपुट डेटा है उसके साथ वो कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कॉस्ट आपने कुछ और शो कर दिया, आउटपुट आपका एट द एंड कुछ और निकल करके आ रहा है, अगर ऐसा होगा तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात बोलने की कोशिश की जा रही है। नाउ दूसरा है, वी मस्ट ट्राई टू ऑब्टेन डेटा ऑन कॉस्ट एंड आउटपुट ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड व्हेन द आउटपुट हैज बीन प्रोड्यूस्ड एट रिलेटिवली इवन रेट। क्या बोलने की कोशिश की गई कि जब भी आप डेटा को ऑब्टेन करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप वहां पे कोई टाइम फ्रेम डालेंगे। आप बोलेंगे ना कि एक महीने के भीतर में मुझे जो है ये मैंने डेटा ये निकाला है और हमारा कॉस्टिंग जो है इतना प्रोडक्ट का इतना पड़ रहा है। तो दो तीन फैक्टर्स यहाँ पे आ गए, बट यहाँ पे जो मेन फैक्टर है वो टाइम फ्रेम है कि टाइम आपने कितना दिया। वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो टाइम पीरियड है वो आपका सही होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर आप डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको उसको डेज में नहीं दिखाना पड़ेगा, आप उसको वीक्स में या मंथ्स में या घंटे के हिसाब से नहीं दिखा सकते। अगर आप मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको मंथ्स में ही डेटा को शो करना पड़ेगा, आप उसको वीकली भी नहीं दिखा सकते, इससे आपको दिक्कत होगी। राइट, क्योंकि वीकली चीजें बहुत ज्यादा इधर उधर होती हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, कई बार कम पड़ जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी पीरियड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पीरियड को आपने यूज करना है थ्रू आउट योर यू नो असेसमेंट जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है। वी मस्ट ऑल्सो ट्राई टू ऑब्टेन, मैं इसको हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ, सही लगेगा। वी मस्ट ट्राई टू ऑब्टेन डेटा ऑन कॉस्ट एंड आउटपुट ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड व्हेन द आउटपुट हैज बीन प्रोड्यूस्ड एट रिलेटिवली इवन रेट। ठीक है, इसमें आपने ध्यान किया। इफ फॉर एग्जाम्पल अ मंथ इज चूजन एज द रिलेवेंट पीरियड टाइम पीरियड ओवर विच द वेरिएबल्स आर मेजर्ड, इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू हैव वाइड वीकली फ्लक्चुएशंस इन द रेट ऑफ आउटपुट। वही बात बोलने की कोशिश की गई कि अगर आपने एज ए मंथ को अगर आपने चूज करा है अपने टाइम पीरियड को एक तरीके से कैलकुलेट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप यहाँ पे वीकली फ्लक्चुएशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप यहाँ पे वीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि वीकली अगर आप करोगे तो वीकली में साल सप्ते भर में बहुत सारी चीजें जो है ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो जो आपका आउटपुट है वो आपका सही जो है वो आ नहीं पाएगा। राइट,
तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपको आपसे जो है गलती ना हो. द मंथली डेटा इन सच अ केस वुड रिप्रेजेंट एन एवरेज आउटपुट रेट दैट कुड डिस्गाइज द ट्रू यू नो कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप. ठीक है, तो जो मंथली डेटा आप निकाल रहे हो, जो आई मीन वीकली वाइज जो आप मंथली डेटा निकाल रहे हो, वहां पे जो डेटा निकल करके आएगा वो एक तरीके से एवरेज आउटपुट शो करेगा, जो कि हो सकता है कि जो आपका कॉस्ट आउटपुट है उसके साथ वो मैच ना करे एक तरीके से. ठीक है, तो रिलेशनशिप ठीक तरीके से क्रिएट नहीं हो पाएगा. नॉट ओनली शुड द आउटपुट रेट बी यूनिफॉर्म बट इट ऑल्सो शुड बी रेट टू विच द फर्म इज फुल्ली एडजस्टेड. ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका आउटपुट रेट ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, बल्कि आप जो कंप्लीट जो आपका टास्क है, जो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, उस चीज के ऊपर आपको सेम तरह का जो है रेट का इस्तेमाल करना है. चाहे आप मंथली रेट का इस्तेमाल करो या वीकली रेट का इस्तेमाल करो, बट वो सेम होना चाहिए. कभी आपने मंथली कर लिया, कभी आपने वीकली कर लिया, ऐसे जो है नहीं करना है. Furthermore, there should be no disruptions in the output due to the external factors such as power failures, delays, receiving necessary supplies, etc. ठीक है ना, तो ये तो अभी जो चीजें मैंने आपको बताई है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, लेकिन इन सब का भी ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई दिक्कत जो है आपको ना आए. सपोज आपको सामान की जरूरत है, आप सामान का सप्लाई ही ठीक तरीके से नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो कॉस्ट है वो घटेगा ही, क्योंकि प्रोडक्शन होगा नहीं तो कॉस्ट तो घटने वाला है. तो इस तरह के फैक्टर्स को भी अवॉइड करना है. जो भी आपको बनाना है उस चीज के लिए प्रॉपरली सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप एक तरीके से कंपेयर कर पाएंगे. ठीक है, टू जनरेट द डेटा नेसेसरी फॉर मीनिंगफुल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द ऑब्जर्वेशन मस्ट इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ रेट्स ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो आपको जब अपने डेटा को एक मीनिंगफुल तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसमें करना है, तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ रेट्स यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो डेटा है वो सही तरीके से आ पाए. ऑब्जर्विंग कॉस्ट आउटपुट डेटा फॉर एटलीस्ट 24 मंथ्स व्हेन द रेट ऑफ आउटपुट वॉज सेम ईच मंथ वुड प्रोवाइड लिटिल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द एप्रोप्रिएट कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई कि 24 महीने तक तकरीबन आपको जो है ऑब्जर्व करना है, जो भी डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको 24 महीने तक यू नो यूज करना है, विद द सेम लेवल ऑफ इनपुट, विद द सेम लेवल ऑफ रेट, है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है सेम होनी चाहिए. उसके बेसिस पे जब आप सारी चीजों को करोगे तब जाकर के आपको जो है एक एप्रोप्रिएट कॉस्ट फंक्शन जो है आपको निकल करके नजर आएगा. ठीक है, तीसरा पॉइंट है The cost data is normally collected and recorded by accountants for their own purpose and in manner that it makes the information less than perfect for the perspective of the economic analysis. क्या बात बोलने की कोशिश की गई? यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो भी accountants होते हैं, जो भी इन data को एक तरीके से record करते हैं, वो अपने perspective से को ध्यान में रख करके करते हैं. वो ये नहीं सोचते हैं कि इन सारे डेटा का बाद में जाकर के एक इकोनॉमिक एनालिसिस होगा. तो जब वो अपने पर्सपेक्टिव के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि मुझे इतना रिकॉर्ड करना जरूरी है, इसको मैं स्किप कर दूंगा तो भी चलेगा, तो उससे क्या होगा, जो आपका डेटा है वो परफेक्ट नहीं होगा, जो आपका आउटपुट निकल करके आएगा वो परफेक्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने उसको एज ए इकोनॉमिक एनालिसिस के तौर पर सोच करके आपने लिखा ही नहीं. अकाउंटेंट ने क्या किया कि उन्होंने अपने हिसाब से लिखा कि उनको क्या जरूरत है, राइट तो वो लेस देन परफेक्ट ही हमेशा रहेगा और वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा इकोनॉमिक एनालिसिस में. व्हाइल कलेक्टिंग हिस्टोरिकल डेटा ऑन कॉस्ट केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट ऑल एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट हैव बीन प्रॉपर्ली टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है ना, तो जितने भी एक्सप्लिसिट या फिर इंप्लिसिट कॉस्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट एक तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं, उन सब का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है जब भी आप हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं. जब भी आप हिस्टोरिकल डेटा को यूज करेंगे अपने प्रेजेंट डेटा के साथ कंपेयर करने के लिए, आपको इन सारी चीजों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है. एंड दैट ऑल द कॉस्ट आर प्रॉपरली आइडेंटिफाइड बाय टाइम पीरियड इन विच दे हैव इनकर्ड. और टाइम पीरियड की बात मैंने ऑलरेडी की है कि टाइम पीरियड का ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपने सारे काम को करने हैं. अगर आप टाइम पीरियड को ध्यान में नहीं देंगे तो टाइम पीरियड आपको ध्यान में नहीं देगा. ठीक है, तो उस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है. ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया. नाउ फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट For situation in which more than one product is being produced with given productive factors, it may not be possible to separate cost according to output in a meaningful way. तब जो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करने की बात की जाती है. तो जब भी एक प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप सारे प्रोडक्ट का सेपरेट तरीके से यू नो उसका कॉस्ट फंक्शन, उसका कॉस्ट इनपुट, कॉस्ट आउटपुट, वो सारी चीजों को आप अलग से एक तरीके से रिकॉर्ड कर पाओ. तो जब आप एक तरीके से कंसोलिडेटेड वे में बनाने की कोशिश करते हो तो मीनिंगफुल आपको जो है आंसर आपको निकल करके नहीं आता है. हालांकि आपको अगर सही आंसर चाहिए, सही अगर आपको रिजल्ट पाना है, तो आपको डेफिनेटली उन सबको सेपरेट करके ही बनाना होगा ताकि आपको सही रिजल्ट जो है निकल पाए. बट ऐसा नहीं हो पाता है,
लोग इसको कंसोलिडेट कर देते हैं, मिला देते हैं, जिसके कारण से उनको प्रॉपर रिजल्ट निकल करके नहीं आते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सेपरेट ही करो। वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है। वन सिंपल अप्रोच ऑफ कलेक्टिंग कॉस्ट अमंग वेरियस प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द टोटल आउटपुट। ठीक है, टोटल आउटपुट में किस प्रोडक्ट का कितना प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से जो है आपको अपने कॉस्ट का लोकेट करना है, या फिर आप अपने कॉस्ट का लोकेट करोगे ताकि उसके बेसिस पे जो है काम होगा। ये भी अगर आप एक तरीके से कर लेते हो तो बहुत हद तक आप जो है रिजल्ट निकाल सकते हो। बट अगर एकदम कंसोलिडेटेड हो जाएगा, आपने रिकॉर्ड रखा ही नहीं कि कौन से प्रोडक्ट में कितना इस्तेमाल हुआ, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो वही बात बोलने की कोशिश की जा रही है कि आपका जो टोटल आउटपुट है उसमें रिलेटिवली किसका कितना प्रोपोर्शन है वो आपने एक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उस अप्रोच को इस्तेमाल किया जा सकता है रिजल्ट को आउट करने के लिए। हाउएवर दिस मे नॉट बी ऑलवेज एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कॉस्ट अप्रोप्रिएट टू ईच प्रोडक्ट। लेकिन साथ में ये भी बात बोली जा रही है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा करने से भी आपका जो रिजल्ट है वो सही ही आएगा। हो सकता है कि कुछ इधर उधर डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिले, बट ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है ना, ये एक तरीका हो सकता है, ये बात बोलने की कोशिश की गई है। पांचवा नंबर पॉइंट है, सिंस प्राइसेस चेंज ओवर टाइम मेनी एनी मनी वैल्यू कॉस्ट वुड देयरफॉर रिलेट पार्टली टू आउटपुट चेंजेस एंड पार्टली टू द प्राइस चेंजेस। ठीक है, तो जब भी किसी भी तरह का प्राइस चेंज होता है तो उसका डेफिनेटली असर जो है कॉस्ट के ऊपर पड़ता है किसी भी चीज के। तो जो भी चीजें लाइक एक तरीके से असर पड़ेगा उसको भी आपने ठीक तरीके से रिकॉर्ड करना है। क्या बात बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो प्राइसेस बढ़ा, जो वैल्यू में कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, रिलेट पार्टली टू द आउटपुट चेंजेस। जो आपका आउटपुट चेंजेस होगा उसमें वो पार्टली एक तरीके से चेंजेस करेगा, लेकिन जो प्राइस चेंजेस है उसमें भी पार्टली उसमें जो है बदलाव होगा। तो आपको बदलाव के साथ रिकॉर्ड करना, बदलाव के साथ रिजल्ट को निकालने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन कॉस्ट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड बाई डिफ्लेटिंग द कॉस्ट डेटा बाई द प्राइस इंडाइसेस। ठीक है, तो प्राइस इंडाइसेस का इस्तेमाल करते हुए आपको एलिमिनेट करना है कि जो डिफ्लेशन हुआ है, जो प्राइस घटा है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब प्राइस को घटना, तो ये जो प्राइस घटे हैं उसका इस्तेमाल आपको ठीक करना है उसको विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडाइसेस। ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है कॉस्ट और आउटपुट में। अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट निकल करके नहीं आएगा। तो किसी भी तरह का डिफ्लेशन अगर होता है तो उसको एलिमिनेट करना विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडाइसेस मेथड वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। Wages and equipment prices indices are readily available and frequently used to deflate the money cost. ठीक है, तो wages और equipment prices का जो indices होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से available होता है, readily available होता है, जिसका इस्तेमाल आप money cost को deflate करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, छठा point है, finally there is a problem of choosing the functional form of equation or curve that would fit the data best. तो आखिर में जाकर के हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो सबसे आखिर में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो फंक्शनल फॉर्म है, जो इक्वेशन आप तैयार कर रहे हो, राइट, जो कर्व बनेगा वो हो समटाइम्स हो सकता है कि वहां पे उसको आप ठीक तरीके से ना बना पाओ। ठीक है, कर्व जो है आपका वो ठीक तरीके से ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे पांच मैंने ऑप्शंस बताए हैं, प्रॉब्लम्स बताए हैं जहाँ पे चीजें जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करें जिसको आपको मैनेज करना है। तो अगर आप उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे, आपका जो रिजल्ट है, जो आपका कर्व है, वो ठीक तरीके से निकल नहीं पाएगा। द यूजफुलनेस ऑफ एनी कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द लार्ज एक्सटेंट ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अ फंक्शनल फॉर्म चूजन। तो जो भी आपने फंक्शनल फॉर्म का इस्तेमाल किया है उसका ठीक तरीके से यूज होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको ठीक तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपका कर्व जो है वो सही तरीके से निकल नहीं पाएगा। अब ये फंक्शनल फॉर्म्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे लीनियर तरीके का इस्तेमाल होता है, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक जो एक तरीके से फॉर्म है उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो तीनों का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से तीनों का इस्तेमाल करना होगा। अगर लीनियर है तो सारी की सारी चीजें जो है लाइन में होने वाली है, क्वाड्रेटिक है तो चार एक तरीके से क्वाड्रेटिक का मतलब होता है चार एक तरीके से, है ना, फोर क्वाड्रेटिक, ऑक्टा आपने सुना होगा, हेक्सा आपने सुना होगा। तो क्वाड्रेटिक यहाँ पे जो फंक्शन है, जो फंक्शन फॉर्म है, यहाँ पे चार चीजों का इस्तेमाल होता है। तो उन चीजों का ध्यान में रख करके आपको जो है सारी चीजों को करना है, ठीक है ना, ताकि आपका जो कर्व है वो सही तरीके से आपको निकल करके आए। द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा टू द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन, है ना। तो ये जो तीन फंक्शन मैंने अभी आपको बताए, जो फंक्शनल फॉर्म्स मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल भी आप ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू थिंग्स करेंगे, जैसे कि आपका जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है आपके कॉस्ट फंक्शन का, जो आप हाइपोथेसिस कर रहे हो कि इतना होना चाहिए या इतना होगा, उसका डेफिनेटली कोई ना कोई बेस होता है,
ठीक है ना, कोई मैथमेटिकल बेस होता है, कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे इस तरीके को अपनाना है, मुझे लीनियर अपनाना है या क्वाड्रेटिक अपनाना है या क्यूबिक अपनाना है। तो आपका चॉइस जो है वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ यू नो जो इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज है डेटा की या फिर जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसका इस्तेमाल करते हो आप उसके बेसिस पे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान आपने रखना है। ओके तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है, जब इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे अगर अगले आने वाले लेक्चर में मुझे मौका मिला तो फिर आपको ये चीजें जो है और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे। बस इतना याद ध्यान रखो कि जिस भी फंक्शनल फॉर्म का आप इस्तेमाल करोगे उसको प्रॉपरली यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और किस फंक्शनल फॉर्म का आप इस्तेमाल करोगे वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट यू हैव, उसमें इकोनॉमिक या फिर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज उसमें है या नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द एंड, नो यहाँ पे लास्ट एक और पैराग्राफ है, इसको भी करवा देते हैं फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। द अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग मेथड्स आर मोर एप्रोप्रिएट देन इकोनॉमिक देन इको सॉरी इकोनोमेट्रिक मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट फंक्शन एट द फर्म लेवल। क्या बोलने की कोशिश की गई कि अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग मेथड ज्यादा सही होगा जब आप इस तरह के डेटा को निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि इकोनोमेट्रिक और मेथड आपका सही होगा। आपको करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग या फिर इंजीनियरिंग मेथड का इस्तेमाल करना है ताकि आपको सही तरीके से आंसर जो है आपका निकल करके आए, क्योंकि वही ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। व्हाइल द इकोनॉमिक मेथड इज मोर सुटेबल फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट फंक्शन एट द इंडस्ट्री और नेशनल लेवल। ठीक है, तो देखो दो तरह के मेथड की यहाँ पे बात की जा रही है, अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग, और दूसरा मेथड है इकोनोमेट्रिक। तो इकोनोमेट्रिक जो होता है, जो इकोनोमेट्रिक होता है, ये एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल या फिर नेशनल लेवल पे ज्यादा यूजफुल होता है, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग मेथड की बात करें तो ये फर्म लेवल पे ज्यादा यूजफुल होता है। तो अगर आप एज ए फर्म चीजों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अकाउंटिंग या फिर इंजीनियरिंग मेथड का इस्तेमाल करें, बट अगर आप नेशनल लेवल पे या फिर इंडस्ट्री एज ए होल लेवल पे अगर आप इस चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो तो आपको रिजल्ट जो है सही निकल करके नहीं आएगा। उस केस में आपको जो है इकोनोमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करना है। देयर हैज बीन ग्रोइंग एप्लीकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मेथड एट द मैक्रो लेवल दैट एंड देयर आर गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर इट्स यूज इवन एट द माइक्रो लेवल। ठीक है ना, तो ऐसा देखा जा रहा है कि माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे भी जो है इकोनोमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल बहुत ही वाइडली तरीके से हो रहा है, एंड मैक्रो लेवल पे तो होता ही है, तो दोनों लेवल्स पे इस चीज का तो इस्तेमाल जो है वो होता है, ऐसा देखा जा रहा है। हाउएवर इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द थ्री अप्रोचेस डिस्कस्ड अबव आर नॉट कॉम्पिटिटिव बट रादर अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है ना, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये बात भी आपको पढ़ के समझ में आ रही होगी कि जो भी चीजें भी मैंने आपको बताई हैं, जो भी मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, वो सारे मेथड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मेथड्स कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं, है ना, ऐसा भी होता है कि कई बार आपको जो है दो तीन मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई मेथड एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में है, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, दे सप्लीमेंट ईच अदर, है ना, ये जो सारे मेथड्स हैं एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं आंसर्स को बनाने में। द चॉइस ऑफ मेथड देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ स्टडी, टाइम एंड एक्सपेंस कंसिडरेशन। अब देखो एक्सपेंस की बात की गई तीनों मेथड्स में, जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस करे हैं, इसमें एक तरीके से खर्चे भी होते हैं, तो जो भी खर्च ज्यादा होगा उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे। जिस भी मेथड का आप इस्तेमाल करोगे वहां पे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं कि आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो, आपको समय कितना लगने वाला है, या आप खर्च कितना खर्च करने को तैयार हो, इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको जो है चूज करना होता है। पहले दो फैक्टर तो मैंने आपको बताए ही कि फर्म लेवल पे होगा या नेशनल लेवल पे होगा, है ना, उसके अलावा भी ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किसी मेथड का इस्तेमाल करोगे। तो ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ नोट्स अवेलेबल हैं, फटाफट हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे एक्सेस करो, आपको ये चारों के चारों नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स के साथ वीडियोस भी चाहिए तो फिर आपको इंडिविजुअल कोर्स परचेस करने होंगे, वो भी हमारे वहां पे अवेलेबल है। MCO 21, 22 अवेलेबल मैंने करा दिया है, MCO 1, 4, 5 भी अवेलेबल है, MCO 23, 24 और 6 ये अभी होने बाकी है, 6 आज ही हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा, 24 के बुक्स अभी तक आए नहीं है तो उसमें थोड़ा सा डिले होने वाला है, बट सून हम लोग इस चीज को लाइक कम्प्लीटली लाइक लॉन्च कर देंगे। आप आसानी से इन्हें स्टडी कर सकते हो बहुत ही और अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से दे सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।